कीजिए छाया लिटिल किचन को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप मेरी अगली वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों टमाटो तो आप सब यूज करते हैं, हर किचन में टमाटो यूज होते हैं, सब्जी के रूप में, सलाद के रूप में, सॉस के रूप में, चटनी के रूप में, लेकिन टमाटो को और भी तरीके से हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। आज मैं टमाटो प्यूरी को किस तरीके से प्रिजर्व करके रखा जा सकता है उस विषय में काम करेंगे। तो चलते हैं छाया की छोटी सी रसोई में। करना क्या है, सबसे पहले टमाटर्स को धो लेना है, धो करके पानी निकाल करके सुखा करके उन्हें हम टुकड़ों में काटेंगे। मेरे पास 2.5 किलो टमाटर था और मैं उन सबको धो करके सुखा के रख चुकी हूँ। अब देखिए मैं उनको किस तरीके से काटने के लिए ये पिछला वाला हिस्सा निकाल देते हैं और टुकड़ों में काट लेते हैं। ये रहा, ये साइड से निकाल देंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये रहा, एक और काट लेते हैं। ये रहा, टमाटर प्यूरी बहुत काम की चीज़ है, हर वक्त आपकी रसोई में होना चाहिए। केवल इसलिए नहीं कि आपको कुकिंग में सहायता हो, इसलिए भी कि टमाटर्स कभी कभी बहुत सस्ते हो जाते हैं और उन्हें यदि हम प्रिजर्व करके रख लेते हैं तो रसोई का जो बोझ है वो भी थोड़ा सा हल्का हो जाता है। साथियों ये देखिए मैंने सारे टमाटर्स काट लिए हैं इस तरीके से टुकड़ों में, तो जो वेस्टेज है वो भी निकल जाएगा। और मैंने यहाँ 2.5 किलो टमाटर पूरा इस तरीके से काट के रखा है, इसमें कुछ भी नहीं डाला गया है, इसे बस सिर्फ मैं बंद करूँगी और तेज आंच पे पहली सीटी, उसके बाद आंच को धीमा करके कम से कम 4 या 5 सीटी तक पकाऊंगी, फिर ठंडा करूंगी। ठंडा करने के बाद इसे फूड प्रोसेसर में हम अच्छे से पीस लेंगे, फिर छन्नी से छान करके जो पल्प मेरे पास आएगा उसको साथ लेकर के मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। ये जो टमाटो मैंने बॉईल किया था उसको मिक्स फूड प्रोसेसर में डाल के पीस करके छान करके ये इतना पल्प मेरे पास आया। अब क्या करना है, सेम पल्प को अब हम गैस पर पकाएंगे। गैस जला लिया मैंने और ये जो जितना पल्प था उसको इसमें डाल देंगे। ये पूरा पल्प मैंने इसमें डाल दिया। अब क्या करना है, अभी भी थोड़ा काम बाकी है, इतनी जल्दी तो नहीं होता है ना जी। ये देखिए अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, प्रिजर्व करके रखने जा रहे हैं हम लोग। नमक डाला 1 टीस्पून, आधा टीस्पून मिर्ची पाउडर डालेंगे और थोड़ा शुगर डालते हैं। तो जब आप सब्जी बनाते हैं, सब्जी काफ़ी स्वादिष्ट बनती है। ये सॉस नहीं है, इसमें कोई कलर नहीं डाला है, सॉस में और बहुत सी सामग्री होती है। मैं इसमें इस स्पून के 1, 2 और 3 स्पून शुगर डाल रही हूँ। ये सब डालने के बाद इसको थोड़ा पकाना है, पका करके इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रिड्यूस हो गई है। थोड़ा सा रिड्यूस होने के बाद में इसमें हम थोड़ा प्रिजर्वेटिव मिक्स करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है, मैंने इसको 10 मिनट्स पकाया है, थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। अब मैं गैस बंद करके इसमें सोडियम बेंजोएट प्रिजर्वेटिव मिलाऊंगी और उसके बाद डब्बे में भर लेंगे। गैस बंद किया और सोडियम बेंजोएट लेना है, ये मेरे पास है, ये देखिए ये ले लेती हूँ मैं। 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी, पूरा 1 टीस्पून लिया मैंने और थोड़ा सा और ज़्यादा, 1.5, क्योंकि ये जो पल्प है 1.5 से ज़्यादा ही लग रहा है मुझे। अब इसको इसमें मिक्स करेंगे, ये रहा, इसको थोड़ा सा स्टर करेंगे, इसको मिक्स कर लीजिए। सोडियम बेंजोएट इज अ सेफ प्रिजर्वेटिव, हर जगह यूज़ होता है। आप सॉस की बॉटल्स वगैरह में भी देखिए, उस पर भी लिखा रहता है प्रिजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट।
ये तैयार हो गया है। इसको गरम गरम ही कंटेनर में भरना पड़ता है। क्या रखेंगे? और मेरे पास टपरवेयर का ये कंटेनर है। टपरवेयर हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, काफी हीट रेजिस्ट करता है। इसको इसमें ही मैं ट्रांसफर करूंगी। अब एक कपड़ा ले लेते हैं और कपड़े की सहायता से मैं इसको इसमें ट्रांसफर कर रही हूँ। एकदम गरम गरम पूरा ट्रांसफर हो गया है। और जो साइड में है उसको भी निकाल लेते हैं। ये रहा, पूरा निकल चुका है। और इसे गरम गरम ही बंद करना पड़ता है दोस्तों। ये टमाटो केचप नहीं है, टमाटो सॉस नहीं है, टमाटो प्यूरी है। जब सब्जी में डालते हैं तो सब्जी का कलर अच्छा आता है और एक टेस्ट भी अलग रहता है। सो एक्सप्रेस कुकिंग, एक्सप्रेस किचन के लिए दिस इज द मस्ट। आई फील दिस इज वेरी गुड।